सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा रखो दिल में इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सो यू नो गाइस, इस मोटिवेशनल क्वोटेशन के साथ हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, दिस इज नुशरत एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल एनके एरिया। सो गाइस, मैं पहले भी एंसर पैसेजेस करा रखी हूं, ओके? अगर आप जानना चाहते हैं, उन आंसर पैसेजेस को आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आई बटन है, आप उस आई बटन को आप क्लिक करें और जाने। और यू नो व्हाट, अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा सकते हैं, ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आंसर पैसेजेस। यू नो, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आंसर पैसेजेस। आंसर पैसेजेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम आंसर पैसेजेस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एंसम पैसेजेस करने से हमारी यू नो रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है। इट इनहेंसेस आवर रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल हमारी थोड़ी अच्छी हो जाती है। इट इंप्रूव्स आवर वोकैब्स, इट इंप्रूव्स आवर कम्युनिकेशन स्किल, और हम यू नो व्हाट ऑथर्स और पोएट को टोन को भी समझ सकते हैं। दीज आर द यू नो इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी एंसम पैसेजेस। नए नए वोकैबुलरीज आते हैं, ओके, टोन्स आते हैं, ओके। सो अगर हम एंसम पैसेजेस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे, हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी, ओके? नॉलेज नोन, हम सबसे पहले रीड करते हैं, रीड करती हूँ, आप समझेंगी। सबसे पहले जो भी यू नो क्वेश्चन, एक्चुअली आंसर पैसेज में होता है क्या है, पैसेज ऊपर गिवन होते हैं, पैसेज दिए जाते हैं और नीचे होते हैं क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना होता आंसर पैसेज में, कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है। सिंपली आप पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद आपको सिंपली आंसर देना। आंसर हमेशा आंसर पैसेज के अंदर ही छिपा होता है। मैंने पहले भी कह रखा है कि आंसर हमेशा पैसेज में है। तो सबसे पहले आंसर पैसेज को बहुत अच्छे ढंग से यू नो समझ के पढ़ेंगे। When you study clearly, then you can do each and every question very easily. So let's read first of all the passage. The cold winter winds blowing harshly through the tree, snow under my feet, bothering my toes, and my nose, which is deep, freeze, snuggle under warm quilt. Just cannot stay up late. Crackle of a fire at night. With hot water bottle close to my side, and I have to get up again and go on in the cold tomorrow morning. I feel so sleepy. How wonderful if I could also hibernate. Okay, अब हम इस पॉइंट को समझेंगे। The cold winter winds blowing harshly through the tree means क्या कह रहा है पोएट, यहाँ पे जो है क्या कहना चाहता है, यू नो कि ठंडी ठंडी हवा, the cold winter winds, यू नो सर्दियों की ठंडी ठंडी सर्द हवा, यू नो व्हाट, हम यू नो ट्री से, पेड़ों से, पेड़ों के यू नो यू कैन सी पेड़ों से होते हुए, ओके, स्नो अंडर माय फीट, कहाँ आती है, मेरे पैरों तक आती है और मेरे पैरों को बर्फ बना देती है। And bothering my toes, और मेरे toes को भी परेशान करती है, यानी पैरों की जो उंगलियां हैं वो भी परेशान हो जाती हैं, इतनी ठंडी हवा चलती है। And my nose, और मेरे नाक के बारे में क्या कहना है, And my nose, which is in deep freeze, मेरी नाक तो बिल्कुल, you know what, मेरी नाक पूरी तरह से जम जाती है ठंडी, पूरी तरह से जम जाती है। Snuggle under a warm quilt, just cannot stay up late. देखिए, it means गरम रजाई में मैं इतने देर तक लेट भी नहीं सकता। क्या मैं इतनी लेट तक गरम रजाई में लेटे रहूंगा, सोता रहूंगा? You know what? ऐसा हो नहीं सकता। Crackle of a fire at night, रात की you know means रात में जो जल्दी है आग, जिससे हम गर्म हो जाते हैं, क्योंकि with hot water bottle close to my side, और मैं अपने you know side में गरम गरम बोतल लेकर जो सोता हूँ, okay? And I have to get up again. You know what? Means poet कहना चाहता है कि रात में you know जब हम आग जलाते हैं तो गर्मी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, और साथ में जब हम सोते हैं तो गर्म बोतल को साइड में रखते हैं, okay? टच में हमारा रहता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, okay? But and I have to get up again. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें रुके रहना है। I have to get up again. मुझे फिर से means सोए रहना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम उसे मीन्स रजाई में स्नगल होकर रह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे सोए रहना है, ऐसा नहीं है। हमें उठना पड़ता है, फिर से आई हैव टू गेट अप अगेन, उठना पड़ेगा।
एंड गो आउट इन द वर्ल्ड टुमारो मॉर्निंग, और मुझे कल फिर से एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ेगा स्कूल। ओहो, आई फील सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आती है इवन। आई फील सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आती है। हाउ वंडरफुल इफ आई कुड ऑल्सो हाइबरनेट, कितना अच्छा होता अगर मैं भी हाइबरनेट करता। मींस कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत, यू नो व्हाट, सर्दी आते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत लंबे स्लीप में चले जाते हैं, बहुत दिनों तक सोते ही रहते हैं, यू नो, 2 months, 3 months, 4 months के लिए बिल में चले जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड, छिपकलियां, यू नो छिपकली, आप यू कैन सी हियर लिजर्ड्स होते हैं जो गर्मियों में दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है वो चले जाते हैं अपने बिल में, छिप जाते हैं कहीं ना कहीं, जाकर अपने शेल्टर ढूंढ लेते हैं, सर्दियों में जाकर आराम से अपना टाइम को स्पेंड करते हैं। तो काश ऐसा होता, कितना मजा आता अगर हम भी हाइबरनेट कर जाते, 4 months, 5 months के लिए हम भी अपने बिल में चले जाते। ओके, सो यू नो वी हैव रेड एंसन पैसेजेस, हमने एंसन पैसेजेस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन, यू नो क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन को देखकर एंसन पैसेजेस को देखेंगे, और देखकर हमें उसी भी स्टार्ट की पैसेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, यू नो व्हाट, फैक मार्क्स में, एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंसन पैसेजेस कंपलसरी है, कॉम्प्रिहेंशन टू दी आते ही आते हैं। ओके, सो अभी से हम अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, राइट? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू गिव इट आंसर बाय रीडिंग द पैसेजेस। लुक हियर, चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर को हमें चूज करने हैं। द विंटर विंड ब्लोस, यू नो सर्दियों में ठंडी हवा बहती है, कैसे बहती है, सॉफ्टली, नॉइजली, हार्शली, जेंटली, जस्ट यू नो व्हाट, किस तरह से बहती है, सॉफ्टली, नॉइजली, हार्शली, जेंटली, यू नो व्हाट, हम फिर से एक बार पैसेज की ओर जाएंगे, देखेंगे क्या लिखा है। द विंटर विंड ब्लोस, किस तरह से ब्लो करती है, हम पैसेज को पढ़ेंगे, क्या यहाँ पे नॉइजली है, सॉफ्टली है, हार्शली है, जेंटली है, क्या है, हार्शली है, यस हार्शली, सो आवर आंसर विल बी हार्शली, हार्शली, गॉट इट, हमारा आंसर क्या होगा, हार्शली। नेक्स्ट है, द स्नो अंडर द नैरेटिव्स फीट बोदस हीस, ओके, और जो ठंडी ठंडी हवा आती है और जो स्नोफॉल होती है, ठंडी हवा जब चलती है, यू नो व्हाट, कहीं कहीं पे ऐसे भी होती है कि स्नोफॉल होती है, और उस स्नोफॉल से क्या होता है, यू नो हमने अभी पैसेज में देखा, स्नोफॉल से क्या होता है, किसे बॉदर करता है, हैंड्स को, टोज को, फीट को, हेड को, देन इट बॉदर्स टोज, हमने देखा ना क्या है पैसेज में, पैसेज को फिर से देख सकते हैं, इसमें है इट बॉदर्स हिज टोज, हिज टोज, क्लियर, पैरों को, उंगलियों को परेशान करता है, जब बर्फ गिरती है, ठंडी ठंडी यू नो हवा चलती है, जब ज्यादा ठंडी हवा हो जाती है तो स्नोफॉल भी होती है, और वो स्नोफॉल हमारे टोज को, पैरों की उंगलियों को परेशान करती है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द नैरेटर्स बॉडी इज इन डीप फ्रीज, नैरेटर्स की बॉडी की कौन सी ऐसी पार्ट है जो फ्रीज होने लगती है, डीप फ्रीज में चली जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है, जस्ट यू, आप अपने आप को भी जस्ट यू नो व्हाट, आप फील कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंस इन विंटर, विंटर में कौन सी हमारी बॉडी की ऐसी पार्ट है जो पूरी तरह से फ्रीज हमें फील होती है, लगती है बहुत ठंडी है, यस दैट इज, इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है, हमें सेल्फ रीडिंग करनी है, विच पार्ट ऑफ द नैरेटर्स बॉडी इज इन डीप फ्रीज, इज देन नोज ऑफ द नैरेटर्स बॉडी इज इन डीप फ्रीज, द नोज ऑफ द नैरेटर्स बॉडी, नैरेटर्स की बॉडी के जो नोज है, विच पार्ट, कौन सी पार्ट आती है डीप फ्रीज, देन द नोज ऑफ द नैरेटर्स बॉडी is in deep freeze, नाक हमारी जम जाती है पूरी तरह से, ठंडी हो जाती है, सबसे ज्यादा ठंडी होती है nose, right? Because winter is going on. Write the opposite of the given words from the passage. Okay? Just look here. Write the opposite of the given words from the passage. ये passage given है, जो passage है given है, हम उसे अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, और आप चाहें तो अगेन एंड अगेन यू कैन रीड इट 2 times later, और पैसेज को देखकर ही हमें आंसर बताना है। अपोजिट, वी हैव टू राइट ऑन द अपोजिट ऑफ दिस टू वर्ड्स, दो वर्ड्स हैं, जेंटली एंड शैलो, जेंटली एंड, टू वर्ड्स हैं यहाँ पे, जेंटली है एंड शैलो है। तो जिस पैसेज में हम देखेंगे
यू नो कौन सा ऐसा वर्ड है जो पैसेज में गिवन है जो जेंटली की अपोजिट है, जेंटली आराम से, तो जेंटली की अपोजिट क्या है, हार्शली, कि हार्शली बुरी तरह से, बहुत तेज, ओके हार्शली, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जेंटली हार्शली। नेक्स्ट है शैलो, छिछला, शैलो, शैलो की जस्ट अपोजिट क्या होती है, डीप, और डीप हमारे पैसेज में गिवन है, राइट, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शैलो, द अपोजिट ऑफ शैलो इज डीप, गहरा, शैलो छिछला, डीप गहरा, राइट। सो वी हैव सीन दैट इट इज, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया करने में, बहुत इजी होते हैं पैसेज को करना और मार्क देने भी होते हैं, से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट एंड आई विल वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो।